हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज एनश्राइंड हैं, और उन फंडामेंटल ड्यूटीज को याद रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में जब अपीयर होते हो तो आपसे वो क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं. सो आई हैव अ ट्रिक फॉर यू टू रिमेंबर. आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि नर्सरी क्लास से अब तक आपने इंग्लिश का जो बेसिक सीखा था, दैट इज अल्फाबेट ए टू जेड, वो याद रखने हैं. और उन्हें भी आपको Z तक नहीं, A to K याद रखना है. So now your new ABCD is up to K, that is A to K. A means first fundamental duties, that is to abide by the constitution. B for Bapuji, जो हमेशा कहते थे कि non-violence maintain करके रखो, and he has been a part of Indian freedom struggle. So he says to cherish and follow the noble ideas which caused India to get independent. C for consolidation, that is sovereignty, integrity and unity of India को maintain करके रखना, that is to maintain and uphold अखंडता, संप्रभुता एवं एकता for the country. Then D part consists of defend the country and to safeguard the nation. E stands for equality before the law, कि law की नजरों में किसी के लिए भी कोई discrimination नहीं है, every person is equal. F for forts, that is to preserve and maintain and value the rich heritage of the country. G for greenery, that is to protect the natural environment, wildlife parks, national parks, etc. Then H for humanism, that is scientific temperament and humanity, har kisi ke andar basi honi chahiye. Then I for Bapuji ke teen bandar the, jinme se ek aankhon ke upar haath rakhta tha. Aankhe means eye. आई का रिजेम्बलेंस यहाँ पे ये है कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफ गार्ड रखते हुए नॉन वायलेंस मेंटेन करना है, जो कि बापूजी का एक सबसे बड़ा लेसन था. जे इज द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मींस आपको कोई भी सोशल एविल्स नहीं रहने देने हैं कंट्री में, बी इट गैम्बलिंग और डारी एनीथिंग. एंड के फॉर किड्स, दैट इज पेरेंट्स हैव टू मेक श्योर कि उनके बच्चे स्कूल जाएं एंड चाइल्ड के कोई भी राइट्स वायलेट ना हो. दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दैट आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. थैंक यू.